नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज मेरे कुछ प्यारे व्यूअर्स के डिमांड पर मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उनका कहना है कि उन्हें भी गाजर का हलवा खाना है, लेकिन नॉर्मली गाजर का हलवा में मीठा डाला जाता है। उनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, इसके लिए उन्हें शुगर फ्री हलवा का डिमांड है। तो चलिए आज उन्हीं के डिमांड पर शेयर करते हैं शुगर फ्री गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो गाजर लिया है। गाजर को यहाँ मैंने छील के अच्छी तरह से धो के रखा है। ग्रेटर का ये मोटा वाला साइज से हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। एक गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसी तरह बाकी सारे गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। गाजर को हम ग्रेट करते रहेंगे और साइड में दूध को भी रेडी करेंगे हलवा बनाने के लिए। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम पहले आधा होने तक सुखा लेंगे। यहाँ मैंने रेगुलर दूध का ही यूज़ किया है, कोई फुल फैट दूध का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम को लो करके इसे हम सूखने के लिए रख लेंगे। ये हलवा हेल्थ कॉन्शियस और डायबिटिक पेशेंट के लिए बन रहा है, तो यहाँ आप फुल फैट दूध का यूज़ ना करें। दूध को सुखाते वक्त आप इसे धीरे धीरे चलाते रहिए, नहीं तो दूध जल सकता है। इस सर्दी के मौसम का गाजर में भी थोड़ा मिठास रहता है और दूध सूखने के बाद भी थोड़ा मीठा बन जाता है, तो हमें इस गाजर का हलवा में कोई ज़्यादा मीठा मिलाने का ज़रूरत नहीं है। दूध सूख गया है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर और दूध दोनों रेडी है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस में। गाजर के हलवा के लिए और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ एक तेज़पत्ता लिया है, घी लिया है 2 टेबलस्पून, यहाँ है पिस्ता छोटा छोटा पीस किया हुआ, और है बादाम, इसे भी मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया है। यहाँ है काजू, ये भी छोटा छोटा पीस किया हुआ है। ये है वही दूध जिसे मैंने पहले से सुखा के रखा था। तो चलिए इन सारी इंग्रेडिएंट से गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम हो गया है, अब डालते हैं इसमें घी। घी को पहले मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें डालते हैं काजू और आमंड। इन्हें पहले हम एकदम लो फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे। काजू और आमंड हल्का सा भून चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे पिस्ता। पिस्ता को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, इसे 20 से 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स परफेक्टली भून चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक छोटा सा बोल में। घी के साथ ड्राई फ्रूट्स भूनने का बढ़िया सा खुशबू आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिया है भून के, अब चलते हैं गाजर का हलवा बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस में। गाजर का हलवा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भुना हुआ घी में ही डालते हैं एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता हल्का सा भून के इसका फ्लेवर आ जाए घी में, तब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर को हम मीडियम फ्लेम में 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। गाजर को हम मीडियम फ्लेम में भून रहे हैं, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गाजर के हलवा के लिए आप कोई नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें, नहीं तो कोई मोटा बेस वाला पैन का ही यूज़ करें। गाजर को भूनते हुए इसका कलर और महक दोनों में बढ़िया चेंजेस आ रहा है। अब 2 मिनट के लिए पैन को ढक देंगे गाजर को थोड़ा नरम होने के लिए। इन 2 मिनट में आप ढक्कन को खोल के बीच बीच में गाजर को थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, ताकि ये नीचे से जल ना जाए।
गाजर को पकते हुए 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं और इसमें हम मिला लेते हैं पहले से बॉईल करके सुखाया हुआ दूध। दूध को अब हम गाजर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसमें मिलाएंगे पहले से फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ इसलिए मिला रही हूँ ताकि गाजर के साथ ड्राई फ्रूट्स भी नरम हो जाए। अब पैन को 2 मिनट के लिए ढक देंगे गाजर को नरम होने के लिए। गाजर को पकते हुए 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन निकाल लेंगे। गाजर नरम हो चुका है। ये जो विंटर सीजन में पिंक कलर वाला गाजर आता है ये बहुत नरम होता है और बहुत जल्दी पक जाता है, तो अब हम हलवा को और ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। ये शुगर फ्री हलवा बन रहा है, तो इसमें मिठास लाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे कुछ शुगर फ्री गोलियाँ। मैंने यहाँ 25 से 30 के करीब गोलियाँ लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कीजिए। और फ्लेवर के लिए मिलाएंगे इलायची पाउडर। शुगर फ्री की गोलियों को हम मेल्ट करके हलवा में मिलाएंगे ताकि ये हलवा में अच्छी तरह मिल जाए, तो इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून पानी। शुगर फ्री की गोलियाँ मेल्ट हो जाए तब हम इसे हलवा में मिलाएंगे ताकि ये इवनली मिल जाए। शुगर फ्री की गोलियां मेल्ट हो गया है, अब हम इन्हें हलवा में मिला लेंगे। शुगर फ्री को मिला लिया है, अब हम इन्हें अच्छी तरह हलवा के साथ मिक्स कर लेंगे। अब डालते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हम हलवा के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। शुगर फ्री और इलायची पाउडर के साथ गाजर का हलवा को हम 2 मिनट और पकाएंगे, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर गाजर के हलवा में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करके हलवा में जितना भी थोड़ा गीलापन बचा है उसे हम सुखा लेंगे। अगर आप नरम खाना चाहते हैं हलवा तो ऐसा ही रख ले, अगर थोड़ा सूखा खाना चाहते हैं तो उसे सुखा लें। इस स्टेज में आप मिठास को थोड़ा चेक कर लीजिए और आपके अकॉर्डिंग मिठास को एडजस्ट कीजिए। बन गया है ये शुगर फ्री गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े की बना है ये हलवा। इसमें हम फाइनल टच देने के लिए मिलाएंगे 1 टेबलस्पून घी। घी को हम गाजर के हलवा के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेवरफुल टेस्टी शुगर फ्री गाजर का हलवा डिश आउट होने के लिए रेडी है, तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। सुपर टेस्टी शुगर फ्री गाजर का हलवा सर्व कर लिया है, अब इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। सबका ऑल टाइम फेवरेट गाजर का हलवा, वो भी शुगर फ्री और सुपर टेस्टी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, डायबिटीज हैं, तो इसे आप घर में एक बार ज़रूर बनाइए, इसका टेस्ट लें और एंजॉय करें। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।